हेलो ट्रेनर्स, इस वीडियो में हम CTS कोर्सेज के लिए बने नए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स करिकुलम के बारे में जानेंगे। उसमें कौन से टॉपिक्स शामिल हैं और उन्हें कैसे बेहतर सिखाया जा सकता है। साथ ही हम आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे जिससे आप अपनी क्लास को और दिलचस्प और आकर्षक बना सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मतलब क्या है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कोई एक स्किल नहीं है, ये बहुत सारे स्किल्स को मिलकर बनता है और ये ऐसे स्किल्स हैं जो नौकरी पाने और नौकरी को अच्छा करने में आपकी मदद करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपके रोजगार की क्षमता को बढ़ाता है। ITIs में हम युवाओं को टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं जिससे वे कुशल बन सकें और रोजगार पा सकें। टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ उनको लाइफ और करियर स्किल्स की भी आवश्यकता होती है जिससे वे नौकरी ढूंढने, उसमें अच्छे से काम करने और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकें। खास तौर से आज की 21वीं सदी में जहां बदलाव बहुत तेजी से आ रहा है। रिसर्च हमें बताती है कि एम्प्लॉयर्स को आज शायद वो स्किल्स नहीं चाहिए जो उन्हें 10 साल पहले चाहिए थे। आज वो ऐसे लोग चाहते हैं जो सीखने के लिए इच्छुक हों और अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो अच्छे से अपनी बात रख सकते हैं और दूसरे की बात सुन और समझ सकते हैं, जो सारी जानकारी के अनुसार सोच समझकर अपने करियर के निर्णय ले सकते हैं, जिनमें आगे बढ़ने का सही नज़रिया है और जो उनके कंपनी के तौर तरीके में फिट हो सकते हैं। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली ज्ञान पर फोकस करती है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, एम्प्लॉयर्स की ज़रूरतें आज बदल रही हैं। ज्ञान के साथ साथ स्किल और एटीट्यूड भी उतना ही ज़रूरी है और एक ट्रेनर के बतौर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे अपने युवाओं के लिए ये नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड का ट्रायंगल पूरा कर रहे हैं ताकि वे 21वीं सदी में सफल हो सकें। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स करिकुलम को दोबारा बनाया गया है और इसको बनाने में अलग अलग एक्सपर्ट्स को साथ लाया गया, जो ITI ट्रेनर्स थे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स थे और साथ ही DGET, CSTAR-I और NIMI के विशेषज्ञ और अधिकारी भी थे। आइए इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स करिकुलम को विस्तार से समझते हैं। इसको 110 घंटे से बढ़ाकर 160 घंटे कर दिया गया है। इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स करिकुलम के टॉपिक्स हैं इंग्लिश लिटरेसी, IT लिटरेसी, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, productivity, occupational safety, health and environment education, essential skills for success, labor welfare legislation, quality management, preparation to the world of work, customer interaction and service. इस topic का उद्देश्य grammar सीखने से ज़्यादा अभिव्यक्ति के ऊपर है। इसमें छात्र अपने बारे में, अपने काम, जीवन और आसपास के परिवेश के बारे में बात करने में सहज होंगे। इसमें बोलने और लिखने की गतिविधियां होंगी जिससे छात्रों की अंग्रेजी सीखने की प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसमें आप बहुत ही सिंपल तरीकों के द्वारा कंप्यूटर और इंटरनेट के अलग अलग यूज़ के बारे में जान सकते हैं। इसमें जितने भी लेसन्स हैं वो या तो प्रोजेक्ट बेस्ड है या गतिविधि आधारित हैं, जिससे कि वह करने में आसान और बहुत ही मज़ेदार हो जाते हैं। इस टॉपिक में छात्र एक अच्छे कामकाजी व्यक्ति के क्या गुण और मूल्य होने चाहिए उसको जानेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स को गतिविधियों, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस और खेल के द्वारा सिखाया जाएगा। इस टॉपिक का फोकस एंटरप्रेन्योरशिप को एक करियर की तरह बढ़ावा देने पे है और उसे प्रैक्टिकल्स के द्वारा सीखने पे है। इसमें छात्र मोबाइल और इंटरनेट की मदद से बिजनेस करने के नए तरीके सीखेंगे। इस विषय में OHS के बारे में जानेंगे और उसे अपने काम की जगह में किस तरह से बनाए रखना है उसके बारे में जानेंगे। इस विषय को और भी प्रभावी बनाने के लिए आप वीडियो ट्यूटोरियल
और इंडस्ट्री विजिट के द्वारा भी समझा सकते हैं। ये टॉपिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स करिकुलम में नया है। इसमें छात्र अपने आप को बेहतर जान पाएंगे और अपने जीवन और करियर को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण जीवन कौशल के बारे में सीखेंगे। इस विषय के द्वारा छात्र लेबर लॉज के बारे में जानेंगे, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, उनके अधिकार क्या हैं और लेबर वेलफेयर के बारे में भी उनको पता चलेगा। इस विषय में ISO 9000 और BIS सिस्टम्स के बारे में बताया जाएगा। छात्रों को कार्यस्थल में क्वालिटी के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो 21वीं सदी के जॉब मार्केट के लिए छात्रों को तैयार करता है। इस विषय के माध्यम से छात्र नौकरी और करियर के बीच का अंतर, करियर प्लानिंग के महत्व को समझेंगे और अपने दम पर नौकरी पाने के लिए तैयार होंगे। यह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स करिकुलम में एक नया विषय है जिसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के फीडबैक के बाद डाला गया है। यह विषय छात्रों को ग्राहकों के साथ कैसे बातचीत करनी है उसमें मदद करेगा। यह स्किल उन्हें अपने जॉब और अपने खुद के बिजनेस में काम आएगा। आप इन सारे विषयों के डिजिटल वीडियो वाले लेसन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पोर्टल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक है bharatskills.gov.in। ये डिजिटल वीडियो लेसन्स आप अपनी कक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको पढ़ाने में और आपके छात्रों को सीखने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको नए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स करिकुलम और उसके उद्देश्य को समझने में मदद मिली होगी। तो आइए हम मिलकर अपने ITI छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार करें, जहां वे नौकरी से जुड़ें, उसमें सक्षम हो और आगे बढ़ें। अपने क्लासरूम को आकर्षक बनाने के लिए और बेहतर सिखाने के लिए आप अगले वीडियो को देखें। इस वीडियो में आप ये जान सकते हैं कि अपनी कक्षा में आप डिजिटल लेसन्स का इस्तेमाल किस प्रकार करें ताकि आपके छात्र आपकी कक्षा से जुड़े रहें।